ये है मिजू का EP52 मैग्नेटिक नेक बैंड स्टूडियो ब्लूटूथ हेडसेट। इसे gearbase.com ने मुझे रिव्यू पर्पस के लिए भेजा है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है और इसका प्राइस कितना है और क्या आप इसे ले सकते हैं या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहां एवरीथिंग। दोस्तों देख सकते हैं बॉक्स कुछ इस तरह से हमें मिला है। यहां पर EP52 लिखा गया है। यहां पर देख सकते हैं बॉक्स के आगे में इसका यहां पर डिज़ाइन दिखाया गया है और साइड यहां पर देख सकते हैं रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। नीचे के साइड में कुछ यहां पर चाइनीज में इसका लिखा गया है जिसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इस साइड देख सकते हैं क्वालकॉम कुछ करके यहां पर लिखा गया है। ऊपर के साइड में कुछ इस तरह से दिखता है यह बॉक्स। पीछे के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन दिखाया गया है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों इस बॉक्स को अनबॉक्स करते वक्त काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस था काफ़ी बढ़िया था। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक बॉक्स हमें मिला जो कि रेड कलर का है और इस पर भी यहाँ पर देख सकते हैं ईयरफोन का यहाँ पर डिज़ाइन दिखाया गया है। EP52 लिखा गया है, ये मिजू कंपनी का है। दोस्तों इस बॉक्स को जैसे मैं आप यहाँ पर दिखा दूँ कि जैसे आप इस बॉक्स को इस तरह से फ्लिप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर हमको ईयरफोन मिल जाता है। रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। दोस्तों मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक कैरी केस मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिजू का ब्रांडिंग किया गया है। और दोस्तों बता दूँ कि ये जो है ये काफ़ी बढ़िया है। जैसे आप इसे दबाएंगे इसके अंदर आपको एक यहाँ पर देख सकते हैं केबल मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने ईयरफोन को चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पर ईयरबड्स मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके का जो कि स्मॉल और यहाँ पर लार्ज यहाँ पर दिया गया है और कुछ यहाँ पर लगा कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर चाइनीज में मिजू का कुछ यहाँ पर जो गाइड है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसे यूज कर पाएंगे। अब चलिए आपको दिखाता हूँ जो ये ईयरफोन है किस तरह से हमको मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक बैंड यहाँ पर दिया गया है जो कि काफी अच्छे मटेरियल के साथ बना हुआ है। इसे मैं निकाल लेता हूँ, अब सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन हमें आता है और कान में काफी कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिजू का ब्रांडिंग किया गया है और काफी बढ़िया यहाँ पर मेटल यूज किया गया है, मैग्नेटिक यूज किया गया है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर चिपक जाता है आसानी से। यहाँ पर देख सकते हैं जो वायर है यहाँ पर आधा वायर जो है इसे रेड कलर में दिया गया है, बाकी का जो यहाँ पर देख सकते हैं नेक बैंड है वो ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पर भी नेक बैंड में भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं EP52 लिखा गया है और दोस्तों इसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे साइड में आपको इसका यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस दिया गया है जिसकी मदद से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे इस ईयरफोन का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड आपको यहाँ पर काफ़ी टाइट करके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप इसे निकाल कर इसे चार्ज कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इसे एक बार ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली ये 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है। और इसमें ब्लूटूथ जो है वर्जन वो 4.1 दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें 130 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसे एक बार जैसे आप चार्ज करेंगे तो इसे आप लगभग 5 से 6 घंटे लगातार फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन पाएंगे और एवरेज यूज में आप इसे 7 से 8 घंटा म्यूजिक सुन पाएंगे। हाँ दोस्तों, और इसका जो साउंड क्वालिटी है मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। मैंने अपने एक फेसबुक पेज पर पोस्ट डाला था कि एक ईयरफोन है मेरे पास धमाकेदार साउंड है। दोस्तों मैं इसी के बारे में बता रहा था कि ये इसका साउंड क्वालिटी अगर आप सुन लीजिएगा दोस्तों, इस प्राइस रेंज में मैंने अभी तक जितने भी ईयरफोन का अनबॉक्सिंग किया है सबसे बढ़िया है। मैंने इसे यूज़ किया है, अभी तक मैंने इसे 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों यकीन मानिए इसका सब कुछ बढ़िया है इसे। और दोस्तों मैंने इसका वाटर टेस्ट भी किया था, ये बिल्कुल यहाँ पर खड़ा उतरता है। यहाँ पर बताया गया कि ये वाटर प्रूफ भी है, तो दोस्तों आप कैसे भी इसे यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में एक बटन दिया गया है पावर बटन, इसे जैसे दबा कर रखेंगे तो ये जो लाइट है इसका ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं आपको अभी इसका साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ, उसके बाद इसका प्राइस बताता हूँ और इसे आप कहाँ से खरीद पाएंगे और कुछ डिस्काउंट कोड भी आपको दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है।
तो दोस्तों आपने साउंड क्वालिटी सुना, ये मैंने माइक से रिकॉर्ड किया तो उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं आया होगा। अगर आप इसे रियल में सुनेंगे अपने कान में लगाकर, तो यकीन मानिए इसका बेस जो भी है एक म्यूज़िक में चाहिए, सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा, किसी भी चीज़ का कमी आपको इस एयरफोन में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। वैसे इसका नॉर्मली प्राइस जो है $40 है यहाँ पर gearbest.com से, लेकिन मैं आपको एक कोड अवेलेबल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे आप मात्र $27 यानी लगभग 1700 से 1800 के बीच में खरीद पाएंगे gearbest.com से। आप मेरे कोड को अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, काफ़ी चीज़ में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको ये ईयरफोन कैसा लगा और आप क्या चीज़ का अनबॉक्सिंग चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसी चीज़ का अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।